हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का 11वां क्लास लेकर इस सीजन का आपके सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दूं। तो जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा लें। और इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है तो सक्सेस स्पेस की 98 देकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप हमारे। और हमारे क्लासेस के जितने भी चल रहे हैं सबके PDF आपको मिल जाएंगे successkey98.in पर। और जैसा कि आपको पता ही है, मॉक टेस्ट भी हमारा चालू हो चुका है, तो आपको देना ज़रूरी है मॉक टेस्ट, तो ज़रूर दीजिएगा। www.successkey98.org पर जाकर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए गाजर, बी टमाटर, सी आलू या डी प्याज। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। एलियम केपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, फटाफट बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी आ रहा है आंसर। तो जी हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है ओनियन। सेपा, सेपा का मतलब ही ओनियन होता है। और एलियम प्रजाति में आपके बाकी के जो अदरक लहसुन ये सारे इसी में पड़ते हैं, तो सेपा इज ओनियन, प्याज है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक इलेक्ट्रो निगेटिव है? इलेक्ट्रो निगेटिव, आपके ऑप्शन है ए गैलियम, बी सोडियम, सी आर्सेनिक और डी सेशियम। तो फटाफट, चलिए बहुत ही बढ़िया यार, काफ़ी बहुत अच्छे और आंसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जी हाँ, आर्सेनिक इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित दिए हुए जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो है आर्सेनिक में, जिसका है 2.18। और आपके साधारण नॉलेज के लिए मैं बोल देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा है वो है फ्लोरीन, जिसका है 4। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न एयर आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। किस कंपनी ने जावा विकसित किया? आपके ऑप्शंस हैं ए माइक्रोसॉफ्ट, बी सन, सी नोवेल या डी ओरेकल। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया, इसका उत्तर दीजिएगा। किस कंपनी ने जावा विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट, सन, नोवेल या ओरेकल। चलिए काफ़ी यहाँ भी आ रहा है मिक्स आंसर्स, तो चलिए इसका आंसर देता हूँ। जी हाँ, जिन्होंने लिखा है सन, सन माइक्रोसिस्टम्स नामक कंपनी ने जावा डेवलप किया था। जेम्स गोसलिंग थे, करीब करीब 90s के दशक में ये हुआ था और इसको रिलीज़ किया गया था 1995 में, और बाद में जाकर इसको अधिग्रहित कर लिया ओरेकल ने, ठीक है। तो यहाँ पे था विकसित किसने किया, तो सन था आंसर इसका, और उसको अधिग्रहित कर दिया है ओरेकल ने अभी। चलिए चौथा प्रश्न एयर आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। प्राकृतिक रबड़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ए यह एक इलास्टोमर है, बी यह सिसोप्रिन का एक मोनोमर है, सी प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन का एक बहुलक है या डी इसके गुणों को बेहतर बनाने के लिए इसे सल्फर यौगिकों के साथ गर्म किया जाता है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। और बहुत ही बढ़िया यार, काफ़ी आंसर से यहाँ भी सही आ रहा है, तो लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो जी हाँ, इट इज़ अ मोनोमर ऑफ सिसोप्रिन, या सिसोप्रिन का एक मोनोमर है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, उनका उत्तर एकदम सही था, जिन्होंने गलत किया था प्रीचिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, हमारा आज का पांचवा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा।
कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है, डिपोल मोमेंट नहीं होता है, किस क्यों? आपके ऑप्शन है ए, कार्बन और क्लोरीन परमाणुओं के समान आकार के कारण, बी, सम चतुष्फलकीय संरचना के कारण, सी, समतलीय संरचना के कारण, या डी, कार्बन और क्लोरीन के समान इलेक्ट्रॉन आकर्षण के कारण। तो फटाफट उत्तर दीजिए इसका भी। Why does carbon tetrachloride have no dipole moment? चलिए तो बहुत बढ़िया, काफी यहां भी आंसर्स आ रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही, आपका आंसर इसी में था छिपा हुआ, सम चतुष्फलकीय संरचना के कारण, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का छठा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। सांप के जहर में अत्यधिक संशोधित लार होता है जिसमें क्या पाया जाता है निम्नलिखित में से, ए, प्रोटोटॉक्सिन्स, बी, न्यूरोटॉक्सिन्स, सी, जूटोटॉक्सिन्स, या डी, इलेक्ट्रोटॉक्सिन्स। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। सांप के जहर में अत्यधिक संशोधित लार होता है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, प्रोटोटॉक्सिन्स, न्यूट्रोटॉक्सिन्स, जूटोक्सिन्स, या इलेक्ट्रोटॉक्सिन्स। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, जूटोक्सिन्स जिन्होंने सी दिया है उनका उत्तर एकदम सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। और सांप ए जहर जो होते हैं वो दो तरह से छोड़ते हैं, कोई जो काट कर दांतों के साथ छिद्र में संशोधित कर देते हैं और दूसरा उसको थूक सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न सातवां ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार के रोगजनक के कारण जल जनित बीमारी सिस्टोसोमियासिस होती है? आपके ऑप्शन है ए, पैरासाइटिक परजीवी संबंधी, बी, प्रोटोजोआ, सी, बैक्टीरियल जीवाणु संबंधी, या डी, वायरल। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। किस प्रकार के रोगजनक के कारण जल जनित बीमारी सिस्टोसोमियासिस होती है, ए, परजीवी संबंधी, बी, प्रोटोजोअन, सी, जीवाणु संबंधी, या डी, वायरल। और बहुत ही बढ़िया, तो काफ़ी आंसर्स आए शुरू में लेकिन उसके बाद से मिक्स आंसर्स आने लगे। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है ए, पैरासाइटिक परजीवी संबंधी, उनका उत्तर एकदम सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का आठवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने स्थापित की, ए, मैक्स प्लैंक, बी, मार्क निकोलस, सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, या डी, अल्फ्रेड हिचकॉक। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। Who established the foundation of quantum theory? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को जब भी, यहाँ foundations हैं, new है, बहुत ध्यान से सुनिएगा तब उत्तर दीजिएगा। आपके options हैं A, Max Planck, B, Mark Nicholas, C, Albert Einstein, या D, Alfred Hitchcock। तो बहुत बढ़िया, तो जी हाँ, जिन्होंने answer दिया है Max Planck, उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। और इनके बाद प्लैंक थ्योरी को ही बाद में आगे बढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बो और ल्यूज दे ब्रोगिल ने इसको और डेवलप किया। चलिए नौवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। चलचित्र कला का आविष्कार किसने किया, ए, विलियम फ्रिजग्रीन, बी, आर्थर फ्राई, सी, गॉर्डन गोल्ड, या डी, ऑटो वॉन ग्यूरिक। तो फटाफट उत्तर दीजिए इसका भी। चलचित्र कला का आविष्कार किसने किया, विलियम फ्रिजग्रीन, आर्थर फ्राई, गॉर्डन गोल्ड, या ऑटो वॉन ग्यूरिक। तो काफी आंसर्स यहां भी आ रहे हैं मिक्स, अभी आजकल मिक्स आंसर ज्यादा आ रहे हैं जबकि आने नहीं चाहिए थे क्योंकि एग्जाम इतने नजदीक आ गए, अभी भी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं।
चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने आंसर दिया है ए विलियम फ्रिज ग्रीन, उनका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। 1888 से लेकर 1891 के बीच में इन्होंने चलचित्र कला का आविष्कार किया था। बाद में इन्होंने 1905 में इसको पेटेंट करवाया था, टू कलर फिल्मिंग को, दो कलर उस समय थे ब्लैक एंड वाइट। चलिए अगला 10वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? ए जगह के अनुसार परिवर्तित होता है, बी हर जगह समान रहता है, सी इसके भार के समान होता है, या डी पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। चलिए कोई बात नहीं, लेट होने से कोई बात नहीं, आप जुड़ तो गए, चलिए बहुत बढ़िया। उत्तर दीजिएगा इसका, वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? ए जगह के अनुसार परिवर्तित होता है, हर जगह समान रहता है, इसके भार के समान होता है, या पहाड़ियों पर अधिक हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, काफ़ी यहाँ पे मिक्स आंसर्स आए। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रिमेन सेम एवरीवेयर, हर जगह समान रहता है, रिमेन कॉन्स्टेंट। किसी भी वस्तु का मास जो द्रव्यमान होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। चलिए 11वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी इकाई है? ए द्विध्रुव आघूर्ण डिपोल मूवमेंट, बी नॉन डिपोल मूवमेंट अध्रुवीय आघूर्ण, सी मैग्नेटिक इंडक्शन, या डी केमिकल फील्ड रासायनिक क्षेत्र। ध्रुवीय आघूर्ण, अध्रुवीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, या रासायनिक क्षेत्र, उत्तर दीजिएगा इसका। और बहुत बढ़िया यार, काफ़ी आया, जी हाँ एकदम, मैग्नेटिक इंडक्शन इज द करेक्ट आंसर। टेस्ला जो यूनिट है वो चुंबकीय प्रेरण का है। तो जिन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है सी, उनका उत्तर एकदम सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, हमारा आज का 12वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, आशा करता हूँ सही उत्तर मिलेगा इसका, क्योंकि ये ऑलरेडी कराया हुआ प्रश्न है मेरा। BCG टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है? ए पीलिया, बी एनीमिया, सी ट्यूबरक्लोसिस, या डी पोलियो। BCG वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है? जॉन्डिस, एनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस, या पोलियो। तो फटाफट बताइएगा इसके बारे में। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, BCG। तो बहुत बढ़िया, काफ़ी आंसर सारे थे, जी हाँ एकदम सही, नॉट TV इट्स TB। ट्यूबरक्लोसिस को स्मॉल में TB बोलते हैं, नॉट TV, TV इज टेलीविज़न। तो जिन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है सी, उनका उत्तर एकदम सही है, एक खास तौर पर बच्चों को दी जाती है BCG वैक्सीन्स की यक्ष्मा से बचाव हो सके। चलिए 13वां प्रश्न आज का ए रहा आपके स्क्रीन के सामने, उसका उत्तर दीजिएगा। समानांतर वेनेशन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पौधे जो मोनोकॉट हैं, बी पौधे जिनका डिकॉट स्टेम होता है, सी तुलसी के समान पत्ती वाले पौधे, या डी टैप रूट वाले पौधे। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। पैरेलल वेनेशन कहाँ पाया जाता है? ए पौधे जो मोनोकॉट हैं उसमें, सी पौधे जिनका डिकॉट स्टेम होता है, या सी तुलसी के समान पत्ती वाले पौधों में, या डी टैप रूट वाले पौधों में। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी यहाँ मिक्स आंसर्स आए यहाँ भी। तो इसका उत्तर होगा प्लांट विच आ मोनोकॉट्स, जो पौधे में मोनोकॉट्स पाए जाते हैं समानांतर वेनेशन वहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। सीसा 2 लीड 2 सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? द कॉमन नेम ऑफ लीड 2 सल्फाइड, आपके ऑप्शन है ए बोरेक्स, बी सेंधा नमक, सी गैलेना, या डी ब्रिमस्टोन गंधक। तो फटाफट बताइएगा इसका। द कॉमन नेम ऑफ लीड 2 सल्फाइड,
जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PBS, इसका केमिकल नेम है। तो और आपको मैंने ऑलरेडी क्लू भी दे दिया, तो आप आंसर दीजिएगा इसका। बहुत बढ़िया जी, हाँ जिन्होंने आंसर दिया सी गैलेना, उनका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 15वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन के सामने और काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तृत रूप है क्या? ए सिंपल मार्कअप ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी सिस्टम्स मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या डी सिस्टम्स मेमोरी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। SMTP का फुल फॉर्म विस्तृत रूप क्या है? तो बहुत बढ़िया, काफ़ी यहाँ भी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं अभी भी। तो चलिए कोई बात नहीं, लाजमी है मिक्स आंसर्स आना। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द करेक्ट आंसर। SMTP का फुल फॉर्म जो है, विस्तृत रूप जो है, वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ए इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं। चलिए 16वां प्रश्न आज का ए रहा आपके स्क्रीन के सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार का रोगजनक जलजनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है? आपका ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी पैरासिटिक, सी बैक्टीरियल, या डी वायरल। विच टाइप ऑफ पैंथागोन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज ई कोली इन्फेक्शन? तो फटाफट इसका भी उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार का रोगजनक जलजनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है? प्रोटोजोआ, परजीवी, बैक्टीरिया, या वायरल? तो काफ़ी यहाँ भी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है सी बैक्टीरिया। ई कोली इन्फेक्शन बैक्टीरिया के वजह से होता है, जो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से आपको निमोनिया या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या नौसिया बीमारियां हो सकती हैं। 17वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा का एक उपाय है जो आंशिक दबाव के रूप में माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए विशिष्ट आर्द्रता, बी संपूर्ण आर्द्रता, सी सापेक्ष आर्द्रता, या डी उषांग। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। कोई बात नहीं, रॉन्ग होने दीजिए लेकिन ठीक कर लीजिएगा सर। निम्नलिखित में से क्या हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा का एक उपाय है जो आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है? आपके ऑप्शंस विशिष्ट आर्द्रता, संपूर्ण आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, या उषांक। तो बहुत बढ़िया, काफ़ी यहाँ भी आए आंसर्स। तो जी हाँ, बी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, संपूर्ण आर्द्रता इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 18वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। हु इन्वेंटेड लॉन मूवर? लॉन मूवर का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग, बी जॉन बार्बर, सी एडविन बियर्ड बॉर्डिंग, या डी निकोलस केल्न। तो फटाफट उत्तर दीजिए इसका भी। लॉन मूवर, लॉन की घास काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग, जॉन बार्बर, एडविन बियर्ड बॉर्डिंग, या निकोलस केल्न। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो जी हाँ, जिन्होंने आंसर दिया है सी लॉन मूवर है, जो घास पैदा हो जाती हैं लॉन्स में, तो उनको आपने देखा होगा खासकर क्रिकेट के मैदान में या फुटबॉल के मैदान में, उस टाइप के घास काटने वाली मशीन्स का उपयोग किया जाता है सर। तो एडविन बियर्ड बर्डिंग ने उसका आविष्कार किया था 1830 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 19वां प्रश्न और बहुत बार कराया हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर तो सही आना ही चाहिए।
द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज, सबसे दुर्लभ रक्त समूह है कौन सा? ए ओ नेगेटिव, बी बी नेगेटिव, सी ए बी पॉजिटिव या डी ए बी नेगेटिव। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत बार कराया हुआ भी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ आंसर्स आ रहे हैं जो एकदम सही आ रहे हैं सर। तो जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, दैट इज़ ए बी नेगेटिव, सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, उनका उत्तर एकदम सही था। जिन्होंने गलत किया था, प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 20वां प्रश्न, ए आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। यदि कोई वस्तु पूरी तरह से घूर्णन गति में चलती है तो शरीर के प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलते हैं जिसमें से केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, उसके क्या कहा जाता है? ए रोटेशन के अक्ष, बी रोटेशन की रेखा, सी कताई की छड़ी या डी निर्धारित रेखा। तो बताइएगा इसका उत्तर। यदि कोई वस्तु पूरी तरह से घूर्णन गति में चल रही है तो शरीर के प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलते हैं जिसमें से केंद्र एक रेखा पर स्थित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो बहुत बढ़िया, काफी आंसर्स यहां भी सही आए। जी हाँ, ए रोटेशन के अक्ष, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न, ए रहा आपके स्क्रीन के सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्पाइनल कॉर्ड, बी स्टेप्स, सी फिबुला या डी फेमूर। ये प्रश्न भी मेरा कराया हुआ था, तो आशा करता हूं इसका उत्तर भी सही मिलेगा मुझे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है कौन सी? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी स्टेप्स, सी फिबुला या डी फेमूर। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जिन्होंने दिया आंसर बी स्टेप्स, उनका उत्तर एकदम सही था। जिन्होंने गलत किया था, प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फेमूर, तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार कराया हुआ प्रश्न है मेरा। जी हाँ, कान में होता है वो। एकदम सही आंसर आपका सर। तो चलिए इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार बोलूँगा, जो जो नए जुड़े थे चैनल के साथ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं के पास भी मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न, ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का संशोधन है? आपके ऑप्शंस हैं ए जड़, बी तना, सी रेडिकल या डी फ्रूट फल। जी हाँ, एकदम सही बोला आपने, फेमूर थाई में पाई जाने वाली है। इसका उत्तर दीजिएगा सर। बल्ब इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ प्लांट? द रूट, द स्टेम, द रेडिकल और द फ्रूट। तो बहुत बढ़िया, मिक्स आंसर्स अभी भी आए जा रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत बढ़िया दे रहे हैं सर। अभी मॉक टेस्ट नहीं खुल रहा है तो अभी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो आज सारा दिन काम चल रहा है उसी पे और अभी भी काम चल रहा है ऑलरेडी। तो कल दोपहर में आशा करता हूँ कि 12 बजे के बाद से सारे मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे बहुत इजीली। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर है तना, द स्टेम। बल्ब जो है वो पौधे के हिस्से का तने का भाग है, संशोधन है। चलिए 23वां प्रश्न, ए आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टरीज धमनियां, बी नर्व, सी केशिका या डी नस। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है? चलिए बहुत ही बढ़िया यार, काफ़ी आंसर से आप भी सही आए। जी हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुलमोनरी आर्टरीज।
फेफड़े की धमनियाँ। तो धमनियाँ इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने उत्तर दिया है ए, उनका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 24वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। काफ़ी ही ईजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या एल्यूमिनियम की तुलना अधिक है? उत्तर बताइएगा फटाफट। तो एल्यूमिनियम का एटमिक नंबर है 13। तो बाकी के ऑप्शनों में किसका परमाणु संख्या एल्यूमिनियम से ज़्यादा है? आपके ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी नियन, सी मैग्नीशियम या डी सोडियम। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। एटमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन द एल्यूमिनियम? तो बहुत बढ़िया, चलिए काफ़ी आंसर्स आए यहाँ पे सर। जी हाँ एकदम करेक्ट, फास्फोरस इज द करेक्ट आंसर। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। तो फास्फोरस का कितना है सर? 15 है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए फास्फोरस, उनका उत्तर एकदम सही है। और आपकी नॉर्मल ऐसे जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, नियोन का है 10, मैग्नीशियम का है 12 और सोडियम का है 11। तो बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ कुछ दिनों से कि आप हो सके तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल, उनके एटमिक नंबर और मास को रट लें, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बनने वाले हैं। 25वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? आपके ऑप्शन है ए क्रोम, बी फायरफॉक्स, सी सफारी या डी लिनक्स। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अ वेब ब्राउजर? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या लिनक्स? चलिए बहुत बढ़िया, जी हाँ एकदम करेक्ट आंसर है, डी लिनक्स इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने उत्तर दिया लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर नहीं है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, उनका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 26वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और इसके यौगिकों को पर्यावरण में एकांतर रूप से बदल दिया जाता है और जीव प्राणियों में इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन का अवशोषण, बी नरसारणकरण, सी नाइट्रोजन नियतन या डी नाइट्रोजन चक्र। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसमें नाइट्रोजन और उसके यौगिकों के पर्यावरण में एकांतर रूप में बदल दिया जाता है, जीव प्राणियों में इसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। तो बहुत बढ़िया, काफ़ी आंसर सही आया पे। जी हाँ एकदम करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं उसे। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी, उनका उत्तर सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 27वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। भारत में लिंग अनुपात का किस आधार पर आकलन किया जाता है? ये प्रश्न मैंने काफ़ी समय पहले करवाया था, तो इसका उत्तर दीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, बी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सी प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या या डी प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो फटाफट बताइएगा। कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए, लेकिन आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा सर, कि दोबारा गलत कम से कम ना हो। तो चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी यहाँ पे मिक्स आंसर्स आ रहे हैं सर। तो इसका आंसर है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि लास्ट सेंसस जो हुआ था हमारा, वो हुआ था 2011 में। तो उस समय जो हमारे अनुपात था भारत में वो था 940 वुमेन पर 1000 पुरुष, ठीक है। तो प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं, भारत का सेंसस था 2011 में। तो जिन्होंने यहाँ उत्तर दिया है बी, उनका उत्तर एकदम सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जी हाँ एकदम करेक्ट बताया आपने, 940/1000। चलिए अगला प्रश्न 28वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा।
इनमें से कौन एक इंसुलेटर है? आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी लकड़ी, सी मरकरी या डी एल्यूमिनियम। तो फटाफट बताइएगा सर। बहुत बढ़िया जी, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर है बी लकड़ी, वुड इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। वैसे गलत तो करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है इंसुलेटर। चलिए अगला 29वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। हवा के बुलबुले किस वजह से तरल पदार्थ के माध्यम से उठते हैं? आपके ऑप्शन है ए सतह के तनाव और अवलंबन के कारण, बी चिपचिपापन और उत्प्लावकता के कारण, सी तरल पर वायु प्रवाह और उत्प्लावकता के कारण, या डी उत्थान और सतह तनाव के कारण। सॉरी। चलिए बहुत बढ़िया, तो काफी यहां भी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया यहां पे बी विस्कोसिटी एंड ब्योयंसी, चिपचिपापन और उत्प्लावकता के कारण हवा में बुलबुले क्यों उठते हैं। चलिए अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। जियोलाइट क्या है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, सी सोडियम फॉस्फेट या डी सोडियम टेट्रा बोरेट। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर। जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट या सोडियम टेट्राबाइट बोरेट। तो जी हाँ बहुत बढ़िया, तो जिन्होंने यहाँ उत्तर दिया है बी हाइड्रेटेड एलिमेंट सिलिकेट, उनका उत्तर एकदम सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का 31वां प्रश्न। उससे पहले मैं फिर से एक बार बोलूंगा, जो जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही वो जरिया है जो हमें आपके साथ जोड़े रखती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिले जिनके पास कोचिंग सेशन लेने की क्षमता नहीं है। 31वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। तरल पदार्थ का क्वथनांक वैसे वैसे भिन्न होता है जैसे जैसे, क्या ए दबाव भिन्न होता है, बी तापमान भिन्न होता है, सी आयतन भिन्न होता है या डी घनत्व भिन्न होता है। तो बताइएगा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तो पहला जिन्होंने दिया बहुत अच्छे से दिया, जी हाँ प्रेशर वेरीज, दबाव भिन्न होता है इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने उत्तर दिया है ए उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, हमारा आज का 32वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन प्रदूषण के बिंदु स्रोत का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। आपके ऑप्शन है ए तेल रिफाइनरी अपशिष्ट जल, बी जेट इंजन से शोर, सी जंगल की आग से वायु प्रदूषण या डी बारिश के पानी के प्रवाह में मिलाया गया प्रदूषक। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। निम्न में से कौन प्रदूषण के बिंदु स्रोत का उदाहरण नहीं है? तेल रिफाइनरी अपशिष्ट जल, जेट इंजन से शोर, जंगल की आग से वायु प्रदूषण या बारिश के पानी के प्रवाह में मिलाया गया प्रदूषक। बहुत बढ़िया यार, जी हाँ डी जिन्होंने उत्तर दिया है पॉल्यूटेंट मिक्स इन रेन वाटर रन ऑफ, उनका उत्तर एकदम सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, हमारा आज का 33वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? ए प्रश्न पहले कराया हुआ है तो इसका उत्तर दीजिएगा। विच ऑफ द दीज इज नॉट अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। आपके ऑप्शन है ए शिबेस, बी सैप हाना, सी माई SQL और डी कॉस्मोस। तो बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, तो काफ़ी मात्रा में आंसर सही आए, जी हाँ एकदम सही।
कॉस्मोस इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आज का 34वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? ए लॉयड ग्रोव कॉपमैन, बी बार्टोलोमियो क्रिस्टोफरी, सी लियोनार्डो दा विंसी या डी फिलिप जेन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोव? लॉयड ग्रोव कॉपमैन, बार्टोलोमियो क्रिस्टोफरी, लियोनार्डो दा विंसी या फिलिप जेन। तो काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शंस, जी हाँ एकदम, जिन्होंने उत्तर दिया है सॉरी लॉयड ग्रोव कॉपमैन इज द करेक्ट आंसर। और आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन हो जाए तो उसका आंसर होगा थॉमस एन, तो वो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, ए रहा उत्तर दीजिएगा। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए गए साधन को क्या कहा जाता है? ए प्रश्न भी काफ़ी बार कराया हुआ है तो इसका उत्तर दीजिएगा। विशिष्ट गुरुत्व को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए कौन से यंत्र का या साधन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बैथीमीटर, बी क्रियोमीटर, सी एरियोमीटर या डी सीमोमीटर। चलिए कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए ना सर, लेकिन आप नोट करते रहिएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका उत्तर एकदम सही आया, मैक्सिमम आंसर से यहाँ पे आ रहे थे ठीक, लेकिन फिर से मिक्स हो गए। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका उत्तर होगा सर एरियोमीटर, जिसको हम हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आज का 36वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन के सामने, इसका उत्तर दीजिए। यदि एक शरीर का समान गति के साथ एक परिपत्र गति में चलता है तो क्या होता है? ए इसका त्वरण बढ़ जाता है, बी इसका त्वरण शून्य है, सी इसका वेग बदल रहा है या डी इसका वेग एक समान है। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर। और मैं देख रहा हूँ कि आंसर सही देने के बाद भी कुछ गलत किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आग्रह करूँगा उनसे कि आंसर एक बार दे देने के बाद सर प्लीज़ आंसर को ठीक कर लीजिए करिए। तो बहुत बढ़िया, यहाँ भी आंसर्स आने सही शुरू हो गए हैं। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसका वेग बदल रहा है, उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आज का 37वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन के सामने, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा प्रोटीज एंजाइम पैदा करता है? आपके ऑप्शन है ए अमाशय, बी यकृत, सी अग्नाशय या डी छोटी आंत। तो उत्तर दीजिएगा फटाफट इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूसेस द प्रोटियाज एंजाइम्स? स्टोमक, लिवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बहुत ही मिक्स आंसर्स अभी भी आ रहे हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, तो जो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ए स्टोमक, उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। प्रोटियाज एंजाइम्स पेट में तैयार होता है, तो जिन्होंने यहाँ उत्तर दिया ए उनका उत्तर एकदम सही था सर। चलिए अगला प्रश्न 38वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से क्या एक लंबा इंटरनोड है जो बेसल्स भाग या संपूर्ण पेंडिकल बनाता है? आपके ऑप्शन है ए राइजोम, बी पुष्पकर्म, सी पुष्प अक्ष या डी स्केप। तो फटाफट उत्तर दीजिए इसका भी। निम्न में से क्या एक लंबा इंटरनोड है जो बेसल भाग या संपूर्ण पेंडिकल बनाता है? राइजोम, पुष्पक्रम, पुष्प अक्ष या स्केप। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है डी स्केप, उनका उत्तर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 39वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, आशा करता हूँ सही उत्तर मिलेगा इसका। निम्नलिखित जीवों में से किसे जीवित और निर्जीव माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जीवाणु बैक्टीरिया, बी कवक फंगी, सी एल्गे शैवाल या डी वायरस।
फटाफट बताइएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किन से जीवित और निर्जीव जीव माना जाता है? और बहुत ही बढ़िया यार, तो काफ़ी आंसर सही आए यहाँ पे, करीब करीब 70% सही आंसर मिले मुझे इसका। वायरस इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने यहाँ पर डी दिया है उनका उत्तर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते, हमारा आज का अंतिम प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। VOIP कंप्यूटर विज्ञान में का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए वर्चुअल ओवर आइडेंटिफायर प्रोटोकॉल, बी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल या डी वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शंस प्रोटोकॉल। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। ये भी प्रश्न काफ़ी बार कराया हुआ है तो आशा करता हूँ कि सही उत्तर मिलेंगे मुझे इसके। तो बहुत बढ़िया यार, तो जिन्होंने उत्तर दिया बी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल उनका उत्तर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। तो आज के लिए मेरे पास इतने ही प्रश्न थे, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं के पास भी पहुँचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। और एक बार मैं फिर से बोलूँगा, जो जो चैनल के साथ नए जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे PDF आपको अभी आप successkey98.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारे PDF आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और एक बार मुझे आप बताइएगा किसने कितना अटेम्प्ट किया तो मैं उसका बता देता हूँ। और सुबह के मैथ और रीजनिंग क्लास का PDF SSC GD और RPF का अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट दिया गया है PDF में, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप फटाफट मुझे एक बार बताइएगा कितने कितना अटेम्प्ट किया आपने, तो मैं आपके नाम के साथ बताऊंगा। फटाफट बताइएगा सर। मार्कंडे 39 में 21, बहुत अच्छे मार्कंडे। वीरेंद्र शाह 18 में 12। सर कोशिश करिए कि सारे अटेम्प्ट करें आप, कम से कम पता तो चले। अभिषेक त्रिपाठी 36, बहुत अच्छे सर। देवाशीष पांडे 31, बहुत अच्छे, फटाफट बताइएगा। धर्मेंद्र 22 39 में, देवाशीष पांडे 31 ऑलरेडी मैं देख चुका था। माही शर्मा 17 अटेम्प्ट किया आपने, कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 30 तक पहुंचे, तो वहां से आपका रेंज स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि एग्जाम में क्या होने वाला है। सर रवि अवस्थी 34 अटेम्प्ट किया आपने, बहुत अच्छे सर। अजीत राय 33, संदीप 33 राइट है सर, बहुत बढ़िया सर। देवाशीष पांडे 31 ऑलरेडी मैं देख चुका था। अमित कुमार पांडा 30, निकेश कुमार 21 40 में, मुस्कान 35 अटेम्प्ट किया आपने, चलिए बहुत अच्छे। रवि अवस्थी 34, स्तुति मिश्रा 21, चलिए तो बहुत अच्छे। तो ऐसे ही अटेम्प्ट करते रहिए, कोशिश करिए कि 30 तक पहुँचे। गलत होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से आप आइए जुड़िए तो जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाइए, बस यही आशा लगी रहती है हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल जुड़ जाइएगा चैनल के साथ ठीक रात को 10:30 बजे मेरे क्लास के साथ। नोटिफिकेशन का वेट न करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ नोटिफिकेशन जाए ना जाए क्लास तो होगा ही सर। तो 10:30 बजे रात को कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने साथ साथ अपने और अपने भाई बंधुओं परिवार का भी ख्याल रखिएगा सर। जय हिंद, शुभ रात्रि।